हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और जब से मैं स्पाइडरमैन का मास्क बनाया हूँ उससे आज तक आप लोगों ने जितने भी कमेंट्स किए हैं वो सारे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करता गया, और उसके बाद से मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाया हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम है स्पाइडरमैन PS5 माइल्स मोरेल्स मास्क। और ये मास्क बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसको बना सकते हैं। टेम्पलेट को डाउनलोड करिए और फिर मैंने जिस प्रोसेस से इसको बनाया हूँ आप भी इसी प्रोसेस में इसको बना सकते हैं। मैं इसको पहन करके भी दिखाता हूँ आपको। My name is Miles Morales. I was bitten by a radioactive spider, and for like 2 days, I've been one and only Spider-Man. ये इसको पहनकर भी मुझे एक स्पाइडरमैन का फील आ रहा है। दोस्तों आई होप ये मास्क भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को मैं कैसे बनाया हूँ। सबसे पहले मैंने A4 साइज में 2 प्रिंटआउट निकल लिए हूँ और इसको पहले जोड़ लिया हूँ और ये दोनों साइड का बन जाएगा। अब लिया हूँ कार्डबोर्ड और ये जो कट मार्क है इसको मैंने गलती से काट लिया था, तो इसको आपको काटने की जरूरत नहीं है, तो दोबारा से जोड़ दूंगा। मास्किंग टेप से इसको जोड़ लेते हैं। परमानेंट करने के लिए मैं यूज किया हूँ इंस्टेंट ग्लू, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। अभी ये जो गैपिंग है इसके अंदर हमने व्हाइट ग्लू डाल के इसको फिल कर दिया हूँ। सूखने के बाद मैं लिया हूँ सैंड पेपर और ये सैंड पेपर से मैं थोड़ा सा इसको पॉलिश करूंगा ताकि स्मूथ हो जाए। अभी ये क्लॉथ के लिए भी 3 टेम्पलेट्स आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको जोड़ लेना है। अब 2-fold ब्लैक क्लॉथ के ऊपर लेकर मैंने इसको इसी तरह मार्क किया हूँ। आउटर साइड में 1/2 सेंटीमीटर के एक लाइन और देना है और इसको कटिंग कर लेना है। कटर से मैं इसको काट कर रहा हूँ, आप सीजर से भी कर सकते हैं। मैं इसको मशीन से स्टिच नहीं किया हूँ, सीधा सुई धागे से इसको मैंने स्टिच कर दिया। आप अगर छोटे हैं तो स्टिच करने में बड़ों की मदद ले सकते हैं। इधर भी मार्क करके मैं स्टिच करूंगा। इसके पीछे मैं यूज़ किया हूँ वेलक्रो, आप इसमें बटन या जीप भी लगा सकते हैं।
अब ये आईज का टेम्पलेट काट कर मैंने आइवरी शीट के ऊपर दो लेयर्स करके इसको मैंने काटा हूँ। आप कोई भी हार्ड पेपर या सीरियल्स के पैकेट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो डॉटेड मार्क है इसको सिर्फ पेपर को हल्का सा कट मार्क करने हैं ताकि आराम से फोल्ड हो जाए। अब ये जो अंदर का पार्ट था इसको भी मैं यूज़ करूँगा। कलर के लिए मैं यूज़ किया हूँ एक्रेलिक स्कारलेट लेक। ये पार्ट भी मैं यहाँ पे चिपका दूंगा, बट उससे पहले मैं इसका एक आउटर लाइन मार्क कर लेता हूँ। ये आउटर लाइन है और हाफ सेंटीमीटर अंदर भी एक लाइन मुझे कर लेना है। सेम साइज में आइवरी शीट का एक लेयर और लिया हूँ। अब स्पाइडर का जो मार्क है इसके लिए भी मैं एक्रेलिक कलर यूज़ किया हूँ। और ये कलर जो है डायरेक्ट लगाना है, इसको पतला नहीं करना है और इट इज़ वॉशेबल। और दोस्तों इसी तरह मैं इस मास्क को पूरा किया हूँ, आप भी इसको बना सकते हैं। और पहनकर खुद को स्पाइडरमैन फील कर सकते हैं। और दोस्तों इस टाइप का लेसन्स तो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और आपको भी क्या करना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है और बेल आइकन को भी दबाना है। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। ये वीडियो देखते रहिए और अपने लिए मास्क बनाने की कोशिश करिए। तब तक मैं आपके लिए दूसरा कोई लेसन्स लेकर आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।